हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देख सकते हैं हमारे उस्ताद ये क्रेन जो है इसके बारे में बताएंगे। ये हमारे उस्ताद रहे सत्येंद्र उस्ताद, तो मैं आज इनके क्रेन पे आया हूँ। ये मोबाइल क्रेन है 100 टन की, तो ये देख सकते हैं गियर सिस्टम है। तो ये उस्ताद हमें आज बताएंगे इसका सिस्टम कैसे चलता है और सिखाएंगे भी। मैं चलाऊँगा, उसका वीडियो डालूँगा एंड वीडियो में, लास्ट में आप लोग देखते रहिएगा। देख सकते हैं ये चाबी बता रहे हो उस्ताद, ठीक है। ये चाबी से चालू होता है, इसमें दूसरा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं बाकी सब ये बटन सिस्टम है, एक एक बताएंगे, मैं इनसे पूछता हूँ। तो शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से देख सकते हैं मीटर। हाई रीडिंग, यही में स्पीड है दोनों। हाँ हाई वाला वो अपना वो भी रीडिंग का है। आई वाला ये ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन मतलब आयल के? आयल ट्रांसमिशन आयल। हाँ आई वाला और ये एयर प्रेशर। एने साइड वाला? साइड वाला ये इथी वाला टेम्परेचर, ये आयल का जो लो हाई जोन वाला ना जैसे प्रेशर। आयल प्रेशर, आयल प्रेशर। आई नीचे वाला और डीजल फ्यूल। हाँ मैं तो लोगो बा डीजल के। और ये ट्रांसमिशन ये अपना ये टेम्परेचर का, ये टेम्पर के ना। हाँ टेम्परेचर और ये ऊपर में इंसान बा। हाँ और ऊपर बा, ये ऊपर वाला ये लाल का हैंड ब्रेक, ये लाइट चालू रहते हैंड ब्रेक नीचे लगा हैंड ब्रेक। अच्छा हैंड ब्रेक यहाँ बा हैंडल वाला, कहाँ जरूरत नहीं। अच्छा ये जब कम हुई तब जा रही पार्किंग है ये तब हैंड ब्रेक। हाँ और लाइट खराब। अब हाई लीवर वाला स्विच बताओ। ना ना हाई बताओ, हाई कौन चीज के शो कर? डीजल के। डीजल लेवल शो करी की लो हुई तब? लो लो होगा तो रिजर्व होगी तो। आई ये वाला और वो वाला है सस्पेंसर का। हाई तो सस्पेंसर के बाद वो स्टीयरिंग का। अच्छा ये स्टीयरिंग का, ये ये भी स्टीयरिंग। हाँ दोनों स्टीयरिंग का। आइए वाला इसका पता नहीं, ये तो है टेम्पर वाला। टेम्पर वाला ये बैटरी चार्ज, बैटरी। आई प्रेशर वाला, आयल आयल टेम्परेचर, आयल टेम्परेचर ना। हाँ आई ये अपना इलेक्ट्रिक ब्रेक, ये दोनों। ये कौन सा? ये ऊपर केबिन का, ऊपर वाला सिस्टम है, ऊपर का सिस्टम जब एसी। अच्छा वो ऊपर वाले केबिन का। यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो सिग्नल जल जाएगा। सिग्नल जलेगा तो ऊपर वाला सिस्टम है। हाँ ऊपर वाला सिस्टम। हाँ ये अपना इलेक्ट्रिक ब्रेक है। अच्छा ये वाला लीवर, ये लीवर, ये लीवर ना। ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो लगेगा कब? ये लग गया, ये अभी लग गया। तो इसमें तो कई गो है? हाँ तो देखे कई गो है, एक दो तीन गो है। तीन गो है तो तीनों में ब्रेक है। हाँ। खाली। हाँ। तीनों ब्रेक काम करेंगे अलग अलग पहिए से? नहीं नहीं सब इलेक्ट्रिक का, इस पे थोड़ा सा। अच्छा हाई हाई लो है इसलिए तीन गो है। अच्छा ये आप स्विच का बताइए। स्विच का ये तो ऊपर का हो गया, ये ऊपर का आना, ऊपर का सिस्टम चालू होगा प्लस ये फैन का है। और ये मैनुअल, मैनुअल सस्पेंसर उठाना है, चार है। ये पीछे का पहिया उठेगा कि आगे का? ये पीछे का उठेगा, ये पीछे का उठेगा, ये फ्रंट का। आगे वाला, आगे वाला। और इसे डाउन, ये वाला ये लाइट, ये लाइट शो करेगा ना, लाइट शो करेगा। ये ऊपर वाला 4x4। और ये ऑटो, ऑटो मतलब ऑटो सस्पेंसर, इसको दबाने के बाद से ऑटो सस्पेंसर ऑटोमेटिक अपना लेवल कर लेगी अपने आप, सब पहिए बराबर, सब पहिए बराबर। अच्छा ऑटोमेटिक सस्पेंसर। और ये अपना है चार, तीन टायर स्टीयरिंग से, एक टायर बटन द्वारा है, इसको ऑन कर देंगे तो वहाँ से लॉक खुल जाएगा। और उसके बाद से यहाँ बटन दिया है, एक टर्न होगा कि एक कटिंग, चारों का चारों टायर घूमेगा, तीन स्टीयरिंग से और एक बटन से घूमेगा, कटिंग होगा। अच्छा और इसको आप पीछे का पहिया घूमेगा, बीच वाला, बीच वाला तीसरा नंबर स्टीयरिंग से आगे का, स्टीयरिंग से पीछे वाला एक और दो आगे का तीन। अच्छा और अपना एयर 4x4, अपना ये 4x4 हो गया, ये 6x8
8x8 हो जाएगा। अच्छा, दोनों लगा देंगे एक साथ, तब 8x8 हो जाएगा। दोनों एक साथ लगाएंगे तब कि एक ही बुलाएंगे? नहीं, दोनों लगाएंगे तो। अच्छा, ये लाइट शो करेगा, यहाँ लाइट शो करेगा, तो मतलब चारों एक साथ में चलना चालू कर देगा। ये वाला लाइट का, वो लाइट का हेडलाइट, हेडलाइट। आइए, ये अपना एम्बुलेंस। अच्छा, ऊपर का एम्बुलेंस लाइट है। ये तो अपना उसका पार्किंग, पार्किंग साइड साइड वाला हीटर का। अच्छा, हीटर का। आइए, ये अपना साइड लाइट। और यहाँ पे ग्लो हाई दिया है, ये लीवर से। हाँ, ये बट ये स्विच इधर मार देंगे, इधर इस सिग्नल के सामने तो लो, तो लो, और इधर मार देंगे तो हाई। अच्छा, ये हुई सिस्टम है ना, यहाँ सिग्नल आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये स्टॉप वायर से भी बंद होगा, इमरजेंसी स्टॉप वायर। अच्छा, अगर ये बटन से बंद नहीं हुआ गाड़ी से तुरंत स्टार्ट, ये ना बंद वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, ये बंद वाला है, वो यार भरेगा तब काम करेगा। इमरजेंसी स्टॉपर है, अगर उसे बंद नहीं हुआ तो उससे इमरजेंसी स्टॉप चुना हटा हुआ इमरजेंसी स्टॉपर, ये वाला। प्लस ये अपना गियर, गियर ये अपना अभी न्यूट्रल में, न्यूट्रल है, रिवर्स। अभी ऑन नहीं, मैं कर रहा शो करी क्या गियर वाइज में। अच्छा, डिजिटल डिस्प्ले लगा है भाई, देख सकते हैं, इसमें शो करेगा, यहाँ मोड शो करेगा इसका। अभी थोड़ा ऑटो में सिक्स बंद हो गया है, ऑटो में सिक्स नंबर तक लेगा गियर, और उसके बाद मैनुअल एक नंबर। तो ऑटो में सिक्स तक मतलब अपने आप गियर चेंज होते जाएगा? हाँ। अच्छा, तो ये डंडिया एक ही जगह रहेगा कि ये चेंज होते? एक ही जगह रहेगा, अपने आप जैसे स्पीड पकड़ेगा वैसे बढ़ते जाएगा गियर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, एक्सीलेटर लेने के बाद। मैनुअल लेना है, कहीं गड्ढे गुड्ढे में निकालना है तो एक नंबर, दो नंबर, शो करेगा तीन नंबर, सब सीधे सीधे लगेगा, देख सकते हैं भाई आप लोग, सब गियर सीधे सीधे है। पांच नंबर के बाद से यहाँ पे न्यूट्रल कर देना है, डी में चलना है तो डी में डाल दे, ऑटो चलेगी, गियर चेंज नहीं करना है। सबसे आगे इसका रिवर्स, सबसे पीछे एक नंबर। मोड में है तो मोड का बटन ये है, मोड का ये दाब देंगे तो मोड ऑन और ऑफ हो जाएगा, तो गियर का ये हो जाएगा, मतलब मोड ऑफ हो जाएगा तो खाली सिग्नल देगा मगर लगेगा नहीं। अच्छा, मोड पर दबा देंगे तो ये मोड बटन है। अच्छा, और ये अपना हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। ये वाला क्या है? वो अपना फैन का, एसी का, हीटर का। और उसके बाद एक्सीलेटर, और एक और इसमें ब्रेक है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, और ये बटन वाला, वो इंजन कंट्रोलिंग है। इंजन कंट्रोल इसको क्या बोलते हैं? आरपीएम, पूरा इंजन का आरपीएम, उसको दाब देने का, गाड़ी फास्ट है, ब्रेक कम लग रहा है, उसको दाब देंगे तो पूरा इंजन को आरपीएम एकदम कंट्रोल कर देगा एकदम। अच्छा, मतलब चढ़ाई के लिए? चढ़ाई के लिए नहीं, स्पीड फास्ट गाड़ी है तो दबाने के बाद से आरपीएम मतलब स्लो होगा, एकदम स्लो हो जाएगी। स्लो है, ब्रेक टाइप का ब्रेक है, मतलब तीन ब्रेक है इंजन को। तो ये एक ब्रेक हो गया, ये दूसरा ब्रेक, ये तीसरा ब्रेक, तीन ब्रेक। और ये स्टीयरिंग लॉक, स्टीयरिंग को आगे पीछे करना है सेटिंग। अच्छा, सेटिंग कर सकते हैं जितना मतलब आप, जितना दूर बैठना है, नजदीक बैठना है, हाथ ना जाओ पे तो इसको ढीला करके आगे पीछे कर सकते हैं। हो गया, और कुछ बाकी? ये वाला देखा है, हरन एक्सीलेटर का है सेटिंग, एक्सीलेटर आरपीएम बढ़ाकर जितना बचाइए। अच्छा, उतना पर टाइट कर देंगे, हो जाएगा, टाइट करेंगे जैसे ट्रैक्टर में आता है। अच्छा, चाबी काहे के लिए रहता है मीटर के अंदर? चाबी में, चाबी वो अपना देता है अंदर की रीडिंग का दिखाना है तो उसमें पेपर आता है, कम बेसिकल खोल के इसमें पेपर भरना पड़ता है तो फिर चलेगा। पेपर भरेंगे तो जितना चलेगा उसमें रीडिंग का प्रिंट होगा, प्रिंट होगा। अच्छा, ये प्रिंटर है, तब प्रिंटर, प्रिंटर है भाई, देख सकते हैं आप लोग, इसमें आपको रीडिंग का प्रिंट सामने वाले को देना है तो यही में पेपर डाल के रोल जैसे प्रिंटर में डालते हैं प्रिंट करके दे सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको सहारा दिया है, ये स्टीयरिंग यहाँ आ गया, और फिर इसको ये देखिए ऊपर चला गया। सही है सिस्टम। और ये हमारे उस्ताद है, ये बताएंगे कौन सा क्रेन है। बोलिए उस्ताद, कौन सा क्रेन है? जैसे 205 बोलते क्या है सब? दिमाग जैसे 205 ना। तो भाई ये क्रेन
सीखना आप दो इनसे संपर्क कीजिए, ये भाई सिखाएंगे, और हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं इनका नंबर दूंगा। ये गुजरात अहमदाबाद में मिले हैं हमें उस्ताद, ठीक है। और एक चीज़ और, ये एसी का सिस्टम है ना, हाई लो सस्पेंसर का है। अच्छा, ये वाला सब मीटर नहीं बताया उस्ताद, मीटर है, सस्पेंसर का है। सस्पेंसर का लेवल पे, लेवल कितना चाहिए उसमें लेवल दिखा देगा, 100 पूरा फुल तो मान के चलिए भाई, स्पीड लेवल है ये, इसी में लेवल दिखाएगा। यहाँ अपना बटन दबाएंगे, कौन सा पकड़ रहा है, ये क्या है, वो तो चल रहा है, घड़ी है क्या? अच्छा, टाइमिंग इसका बिगड़ गया, टाइमिंग बिगड़ गया है, घड़ी कैसी कैसी में देता है, मोड़ खराब है। अपन अच्छा से बनाओ वीडियो, सब तुम्हारे में बनाओ, अब अपन रिकॉर्डिंग करके अच्छा से बनाओ भाई। तो आप लोग फाइनली देख सकते हैं, आप देखिएगा फोटो में, देखिए कौन है आपका भाई, सीख लिया, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ भाई, आपको तो विश्वास होगा, आप वीडियो देख के सीख सकते हैं या फिर फाइनली यहाँ पे आके सीख सकते हैं। देखिएगा आप, ये आपका भाई चला रहा है भाई, बड़ी वाली क्रेन देख सकते हैं। जो भाई को सीखना हो संपर्क करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, देख सकते हैं आप वीडियो के लास्ट तक देखिए भाई। जो भाई को क्रेन सीखना हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको क्रेन सिखाएंगे। बस भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिल देंगे फिर नए वीडियो में, नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने फाइनली गाड़ी चलाना चालू कर दिया हूँ। अभी क्या है भाई, देख सकते हैं, ये देखिएगा तो आपका भाई नज़र आएगा इसमें, देख सकते हैं। तो चलाना आसान है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। देखिए, ये देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ, वो थोड़ा कांच के वजह से वीडियो कम आ रहा है, और मेरा कैमरामैन सही नहीं था, क्योंकि मैं चला रहा था तो मैं वापस अपने से करता तो कैमरा थोड़ा अच्छा करता, पर ये कैमरा थोड़ा जूमिंग चाहिए, वो मतलब हमारा चेहरा बराबर दिख नहीं रहा ऐसे की है। ये हमारे उस्ताद है जो हमें बताए थे। तो चलिए ठीक है, आप सब देख सकते हैं ये क्रेन है, देखिए पहचाने। तो भाई चलिए अब लेके चलते हैं इसको आगे कंपनी की तरफ, और भाई लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं फाइनली मैं ये चला रहा हूँ। अभी क्या है, ये टूटी फूटी जगह है तो थोड़ा धीमे ही चलाना पड़ता है, नहीं तो बहुत तेज़। अभी देख रहे हैं हूँ, लॉक भी नहीं किया हुआ है, वो ज़्यादा हिल रहा है, इसके लिए आराम आराम से लेके जा रहे हैं। तो चलिए अभी केबिन के अंदर से फिर कभी वीडियो डालूंगा, देख सकते हैं आपका भाई ये चला रहा है। तो फाइनली आपका भाई बन गया मोबाइल क्रेन का, बुरे वाले का ड्राइवर। आप लोग को बनना है तो हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको लोग को नंबर दिया जाएगा कहाँ आना है। अगर इस गाड़ी पे हेल्प फ्री करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। नहीं मिलते अगले वीडियो।